जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार की सोमवार, पांच सोमवार। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन तीन वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आप कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है, जम के बोलिए जरा, शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसके प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा, और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ कुछ करिए, प्रभु आप नारायण हो, आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा, एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार को अगर दिया लगाते हैं तो उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, साहब अपार धन बढ़ता चले जाता है। आपने अगर कोई नियम ले लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य पूर्ण करने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, अपने कर्म में कभी पीछे मत हटो, अपनी मेहनत में कभी पीछे मत हटो। आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है, तो मेहनत तुम्हें करना है, जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना कर्म कर सकते हो उतना कर्म करो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो। किसी आडंबर में पढ़कर कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा भभूति बनाकर दे दूंगा कि जिससे तुम पास हो जाओगे या जिससे तुम उत्तीर्ण हो जाओगे या तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ना ना ना, अपनी मेहनत अपना कर्म अपने को करना है, तब हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपनी मेहनत जरूरी है। दीपावली के दिन रात्रि के 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जो घी का दिया और सरसों के तेल का दिया लगाता है, उसके यहाँ संपदा की कमी नहीं आती। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चुक जाए। क्या नहीं दे देता है भाई, जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव, क्या नहीं देता। इन पत्रों में केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण है, शिव है। लोग कहते हैं तुमने महादेव को देखा है, हमने कहा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है, हम समझ जाते हैं कि वो आकर चला गया और देकर चला गया। क्या देखे आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी, वो दुनिया की सारी दिवालियां फीकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फीकी है। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़कर अपनी माँ को ठीक कर अगर यहां तक लेकर आए तो बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं,
मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा, ये उसको मालूम है। दर्शकों, यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं, आपके घर में पैसों की कमी है, पैसे आते हैं रुकते नहीं हैं, तो मात्र आप एक बेल पत्र से भगवान शंकर की शिवलिंग पर यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर दूसरी बेलपत्री बाबा देवाधिदेव महादेव को ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर, और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहाँ पर बैठना? यहाँ बैठोगे तो यहाँ से जो पानी बह रहा है उत्तर में, तो तुम जब यहाँ बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है यहां बैठोगे, और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा निश्चित। उपाय बहुत ही चमत्कारी है, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, जैसे आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष हो, एकादशी हो, किसी भी दिन आप इस चमत्कारी उपाय को कर सकते हैं। उपाय दर्शकों सभी के लिए है, आप अपने बच्चे के हाथ से, पति और पत्नी, घर के सभी सदस्य किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। नहा धोकर स्वच्छ होकर आप एक लोटा जल अपने घर से लीजिएगा, उसके बाद उस जल के साथ साथ आपको दर्शकों थोड़ी सी शहद लेनी है, 4 से 6 बूंद आप शहद ले लीजिएगा। एक लोटा जल लेके चले जाइएगा महादेव के मंदिर में, थोड़ा सा आप पीला चंदन या लाल चंदन भी ले सकते हैं। मंदिर में जाने के बाद दर्शकों आपकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आप महादेव की शिवलिंग पर जो बेल पत्र लेके गए हैं उस बेल पत्र की जो लंबी वाली पत्ती है उस पे आपको शहद से लेपन करना है। खूब अच्छी तरह से आप पूरे शहद से लेपन करिएगा, बाकी की जो नीचे की दोनों पत्तियां होती हैं उस पत्ती पे आप लाल चंदन लगा सकते हैं, पीला चंदन जो भी आपके पास हो आप लगा दीजिएगा। यदि लाल चंदन, पीला चंदन, कोई चंदन नहीं है तो शहद तीनों पत्तियों पे आप लगा दीजिएगा। अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप महादेव की शिवलिंग पर इस बेल पत्र को देवी अशोक सुंदरी वाले स्थान पे स्पर्श करा के भगवान शंकर की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। देवी अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ से जल गिरता है वहां से आगे आप देखेंगे एक मोटी सी लाइन होती है, वो देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस स्थान पे मात्र आपको स्पर्श कराना है और उसी बेलपत्र को आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जो जल लेके गए हैं इस जल को आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। दर्शकों, शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में आप बेल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक यदि प्रज्वलित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर से दुख, तकलीफें, रोग जो हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत ही विशेष उपाय है दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर कार्तिक पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, ये दोनों पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ाएं, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल शरद पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको